हेलो एंड वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविजन एक्टर फरमान हैदर से, जो फिलहाल शो सावी की सवारी में एज अ मेन लीड नजर आ रहे हैं। सो फर्स्ट कांग्रेट्स ऑन डूइंग अ गुड जॉब इन द शो। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो इफ आई हैड टू आस्क यू टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन योर ओन वर्ड्स, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम? So Nithyam, basically he's a self-made man, okay. A youth business icon, okay. Who's a real, like a very youth icon, who's okay. Very talented, very brilliant, okay. Well educated, okay. But yes, he's self-made, okay. You can call him like a little bit of arrogant, okay. He carries his aura, okay. So yeah, this is Nithyam. तो लाइक इस किरदार में आप अपनी तरफ से क्या ऐड करते हो? मैं बेसिकली अगर पर्सनल लाइफ से देखा जाए प्रोफेशनली, हाँ, मुझे गुस्सा जो है नित्यम के जैसा ही आता है। ओके, जैसे नित्यम को गुस्सा आता है वैसे, और मुझे लगता है ऐसा, मुझे काफी सारे लोगों ने कहा है कि ये बहुत ही नेचुरल है। ओके, बिकॉज माई मॉम यूज्ड टू वॉच ऑल माई एपिसोड्स। ओके, शी टोल्ड मी मेनी टाइम्स like you are doing very organically, very naturally. Okay. So you both are like same. Okay. Yes, I think anger issues जो है वो same है हमारे. Okay. हमारा body language भी same है. Okay. काफी हद तक. मैं भी वैसे ही आम जिंदगी में बैठता हूँ जैसे वो बैठता है. वैसे ही चलता हूँ जैसे वो चलता है. तो इसके लिए मुझे कुछ body language में मतलब खास एक वो है कि हाँ, हम दोनों काफी हद तक same है. Yes, he's bloody rich. I'm from a middle class family. Okay. Doing my job, but I am happy. तो ये सच है, हाँ, मैंने कभी कोई struggle ऐसे खास देखा नहीं है. Okay. तो आपके co-star के साथ आपके equations कैसे हैं? All are like very good, very close to my heart. Entire direction team, production team, all are like very near and dear. So equations, I think, if you are a good person, if you are a positive person, और आप अपनी vibe spread करते हैं, तो I think वो matching हो जाती है. Okay. और किसी के बारे में बुरा ना बोलना, तो शायद बातें कहीं बढ़ती नहीं. तो equation bonding सभी के साथ अच्छी है. और अभी ये जो भी थोड़ा बहुत वक्त हुआ है शो को ऑन एयर आए हुए, तो आपको पब्लिक से क्या फीडबैक मिल रही है? पब्लिक फीडबैक हमेशा अलग होता है, और फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज 86 एपिसोड टेलीकास्ट हो गए हैं जी. आई थिंक लोगों ने काफी काफी अप्रिशिएट किया है मेरे कैरेक्टर को, मुझे पर्सनली. ओके, फर्स्ट कुछ एपिसोड में मे भी मैंने अपना कैरेक्टर नहीं पकड़ा हो. ओके, मे भी मैं उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन अभी जब ऑडियंस का, फैंस का, फैंस पेज का रिव्यूज आता है, फीडबैक आता है, या जो हमें जानते हैं या हमारे टीम है जो क्रिएटिव टीम है, सो उन सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ गया है. उनको लगता है कि मैं 100% अपना देता हूँ, और वो कैरेक्टर को जो जैसा बनाना चाहते थे, जिस स्केच में उन्होंने मुझे देखा था, सो मैं उनको वैसा दिखता हूँ. तो आई थिंक ये एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको लगता है कि यार, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो और आप एफर्ट्स डालो, क्योंकि एप्रिसिएशन जब आपको मिलता है तो मुझे लगता है आपके लिए और मेहनत करनी लाजमी हो जाती है. तो आई मीन लाइक इसके पहले आपने वेब किया था, और अभी आप वेब से टेलीविजन में आए हैं, तो आप दोनों पहले भी मैंने सीरियल ही किया है. आई डोंट नो मेरा नाम ऐसे वेब वेब में क्यों शो करता है. ओके, मैं दंगल का शो रक्षाबंधन था. ओके, उसमें मैंने वो किया था, और काफी मतलब युद्ध शोज आते हैं, प्यार तूने क्या किया टाइप. ओके, एलिवेटर पिच टाइप, ऐसे शोज मैंने किए. ओके, तो मीन्स लाइक एक यूथ शो करने और एक जीसी फैमिली शो करने में कितना अंतर होता है? यूथ शो में आई थिंक इतने वेरिएशन, इतना वर्सेटाइल परफॉर्म करने का आपको कभी मौका नहीं मिलता, इतने इमोशंस का आपको मौका नहीं मिलता. यहाँ मैं हर दिन एक अलग इमोशंस, एक अलग लेयर के साथ चलता हूँ. यहाँ फैमिली, परिवार, लव लाइफ, सैड, सारी इमोशंस है. उतना यूथ
शो में आई थिंक कि आपको परफॉर्म करने, आई डोंट थिंक कि आपको परफॉर्म करने को मिलेगा उतना, बट यस ठीक है, सब अपनी अपनी जगह, लेकिन मैं चाहता हूँ हमेशा के किसी भी कैरेक्टर की डेप्थ जो है वो मुझे पता चले। और ये है कि ऐसे जितने भी शोज हैं, जब आप अपने यूथ शो में सीनियर एक्टर्स नहीं होते जो आपको सिखा सकें, बता सकें, वो कम होते हैं, तो सीखने का मौका आपको कहीं ना कहीं डेली सोप में मिलता है जो फैमिली ड्रामा होता है। पर एक बात है, कहा जाता है कि डेली शोज में जो मेल कैरेक्टर है उसे खास करने को मिलता नहीं है, उससे क्या कहोगे आप? देखिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक होता है टिपिकल डेली सोल जी, मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ है कि आई थिंक मुझे वो नहीं मिला। ओके, बहुत नेचुरली, बहुत ऑर्गेनिकली, और सारे कोई भी लाइक आई एम प्लेइंग अ लीड, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मेरे लिए ही लिखा गया है। ओके, या हमारी जो लड़की है साबी, उनके लिए ही लिखा गया है। मुझे लगता है कि हर एक किरदार के लिए यहाँ उनकी एक अलग वैल्यू है, उनकी एक अलग इम्पोर्टेंस है, उनके कैरेक्टर को उस हिसाब से लिखा गया है। तो डेली सोप को बदनाम नहीं करते, आई थिंक राइटर्स और स्क्रिप्ट की बात होती है, और हमारे राइटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे से छोटा कैरेक्टर, इनफैक्ट जो 1-2 डेज के लिए आते हैं, कैमियो करते हैं, या रिसेप्शनिस्ट हैं, या जूनियर आर्टिस्ट है जो हमारे यहाँ, वो भी सब फिक्स हैं, वो हमेशा दिखाई देते हैं। तो किसी को ब्लेम करना गलत होगा। मुझे लगता है कि एक स्क्रिप्ट हर किरदार को बड़ा बनाती है, और हमारे यहाँ सभी को एक इक्वल पोजीशन पे रखा गया है। फिलहाल 90 एपिसोड हम बना चुके हैं, किसी टेलीकास्ट हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जिंदगी भर, मतलब जब तक ये शो चले, जब तक सबको इक्वल ही मानना चाहिए। हीरो हूँ या हीरोइन है हमारी, वो तो सिर्फ हीरो हीरोइन ऐसे ही नहीं खड़ा होता, एक सबका साथ होता है, तो कोई भी प्रोजेक्ट आगे जाता है। तो लाइक आपकी जो ऑन स्क्रीन वाइफ है ऑटो चलाती है, तो आपने कभी सेट पे ऑटो चलाने की कोशिश की है? मैंने चलाया भी है, मैंने वीडियोस भी डाली हैं, और यूट्यूब पे भी लोगों ने वीडियो डाली है। इनफैक्ट हमने शो का स्टार्टअप किया था जी, तो हम उज्जैन में शूट कर रहे थे, और मैंने उज्जैन की मेन मार्केट में भी ऑटो चलाया है, क्योंकि मुझे ऑटो, मतलब मेरे फादर के पास बजाज क्षेत्र का स्कूटर हुआ करता था जी, तो मुझे पता है कि स्कूटर और सीएनजी ऑटो रिक्शा बिल्कुल सेम ही है जी। आई यूज टू राइड वेरी कम्फर्टेबली, मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है चला के, आई डोंट नो, इतना अपनी गाड़ी चला के अच्छा नहीं लगता। और मीन्स लाइक अगर आगे चल के अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह के किरदार निभाना चाहोगे? ट्रस्ट मी, मेरा मन है कि मैं हर तरह का किरदार निभाऊं, चाहे वो कोई भी किरदार हो, किरदार होना चाहिए, और एक ऐसा चैलेंजिंग किरदार होना चाहिए जो जिसे मुझे करने में सोचूं मैं कि यार क्या मैं ही कर पाऊंगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा। लाइक मुझे एक्शन भी करना है, रोमांस भी करना है, मुझे साइको भी करना है, सीरियल किलर भी करना है, मुझे डिसेंट करना है, पॉजिटिव भी करना है, ममास बॉय भी करना है, मुझे सब करना है। मैं एक अपना स्टीरियोटाइप कभी नहीं बनाऊंगा कि मुझे सिर्फ यही करना है, मैं हमेशा स्क्रिप्ट पे जाऊंगा। अगर वो स्क्रिप्ट मेरे दिल को लगेगी, वो मुझसे बोलेगी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारा दिल चाहता है वैसे बने, तो मैं डेफिनेटली वो करूंगा। तो आप शो के टीआरपी को कैसे देखते हैं? टीआरपी हमेशा मुझे लगता है हौसला बढ़ाती है जी, लेकिन ये रेटिंग्स बढ़ना घटना इनको इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, अपना मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आज बड़े हैं, कल घट जाएंगे, फिर से बढ़ जाएंगे, लेकिन आप हिम्मत न तोड़ना। और हाँ, जब प्यार मिलता है, टीआरपी बढ़ती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी हमेशा मेहनत चालू रहती है कि ऑडियंस को पसंद आए। हम ज्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं, कभी कभी कुछ पसंद नहीं आता है, फिर हम चेंजेस करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक किस्मत का खेल, क्योंकि हर इंसान, हर डेली सोप, हर प्रोजेक्ट, अपने एफर्ट्स हर इंसान डालता है, अब बाकी वो पसंद आने के ऊपर बात है। लेकिन हमारा हमेशा यही है कि हम ऑडियंस को वो पहुंचाएं कि हमारी टीआरपी बढ़े, रेटिंग्स बढ़े, हमारे शो को प्यार मिले, और जब नहीं भी बढ़ती, सेम है, सेम भी केयर भी, मुझे लगता है कि यार ठीक है, मतलब हम अपने एफर्ट्स डाल लें। अगर हम नहीं डालते या हम नहीं सोचते, तो मुझे लगता है मुझे बहुत बुरा लगता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि उनको पसंद आना चाहिए, और फिर भी पसंद ना आए तो एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया। तो मतलब आ, 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 आगे चल के नेक्स्ट 10-15 दिन में शो में क्या
मोटा मोटी ट्विस्ट आ सकती है? बहुत है करने को, हम हमेशा ट्विस्ट की तैयारी में है। मेन क्या है कि सावी शादी के बाद भी रिक्शा चलानी है, ये बात मुझे पता चल जाती है। ओके और ये बहुत बड़ा ड्रामा है क्योंकि नित्यम दालमिया जो एक एक बहुत ही अमीर और बहुत ही रिच बिजनेसमैन है जिनके पूरे इंडिया में नाम है, और उनकी बीवी शादी के बाद भी छुप के रिक्शा चलानी है, और ये भांडा भी ऐसे दिन फूटता है जब उनके मतलब करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था सारे मीडिया के सामने फूट मतलब होता है, तो अब उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका रिश्ता कैसे जाएगा माँ से और बहू का और बेटे का, क्योंकि माँ के लिए उन्होंने शादी की थी, तो वो सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी दरार आई। तो मींस आप वेब में क्या करना चाहोगे? वेब में हाँ ये मुझे लगता है कि मैंने वही कहा कि मुझे हमेशा कहानी चाहिए, बट आई वुड लव टू वर्क इन नेटफ्लिक्स। ओके तो मींस यू हैव नॉट डन जो इंटरनेट पे ऐसा की गंदी बात फाइव अप नहीं किए? यस आई वाज अ पार्ट ऑफ गंदी बात फाइव, बट दैट वाज लाइक अ वेरी मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। ओके बट उससे वेब सीरीज नहीं, बिकॉज दैट वाज अ एपिसोडिक ना। ओके करेक्ट करेक्ट आई डोंट काउंट टू इन लाइक वेब सीरीज, क्योंकि वेब सीरीज होता है जिसके सीजन हो जिसका एक पूरी कहानी हो, तो एपिसोडिक मैंने ऐसे काफी काम किया है। ओके विघ्नहर्ता गणिशा है वो भी एपिसोडिक है, और एलिवेटर है वो भी एपिसोडिक। मैं कभी भी इनको वो नहीं गिनता कि नहीं हमको वेब सीरीज, तो मैं वेब सीरीज उसको मानूंगा जो एक कहानी हो वो लिखी जाए जिसका सीजन बने प्रॉपर, एटलीस्ट मिनिमम 8 एपिसोड 10 एपिसोड 20 एपिसोड सीजन 1 2 3 उसको मैं काउंट करना शुरू करूंगा। इससे पहले भी मैंने रक्षाबंधन को ही काउंट किया क्योंकि उसमें ही मैं आई वॉज द मेन एंटागनिस्ट। ओके उसको ही काउंट किया, उससे पहले जो किया है दीवान की देखी कभी नहीं, कसौटी जिंदगी की, तो वो सब मेरा है सीखने वाला। ओके तो जिन्होंने काम नहीं करता लेकिन मुझे बताने में कभी किसी को शर्म नहीं है। हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने सीखने के लिए काम किया। सो गाइस एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर अपडेट हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करिए।